हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज मनीष। आज मैं लेकर आया हूँ चौथा पाक्षिक मूल्यांकन कक्षा 12वीं विषय हिंदी के सभी प्रश्नों के उत्तर। अगर स्टूडेंट वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल को। वीडियो को प्रारंभ करते हैं। प्रश्न क्रमांक एक, सही विकल्प का चयन करो। पहले सही विकल्प का उत्तर होगा संघर्ष करना, दूसरे में आ जाएगा मराठी भाषा के, तीसरे में हो जाएगा उद्दंत मार्तंड, चौथे में आ जाएगा स्त्री। उसके बाद देखते हैं खाली स्थान भरो। पहले का खाली स्थान में आ जाएगा आनंदा, दूसरे में आएगा गणित, तीसरे में आएगा चौथी, चौथे में आएगा रत्नाप्पा। समाचार क्या होता है? तो ऐसी ताज़ा घटना, विचार या समस्या की रिपोर्ट जिससे अधिक लोगों की रुचि हो, जिसका अधिक से अधिक लोगों पर प्रभाव पड़ रहा हो, समाचार कहलाता है। समाचार वह है जो पाठक को प्रेरित व उत्तेजित कर दे। दादा लेखक को खेती के काम में क्यों लगाए रखना चाहते थे? तो लेखक पिता पढ़ाई के काम में इसलिए लगाना चाहते थे क्योंकि वास्तव में लेखक के पिता अपने स्वार्थ के लिए अपने बेटे को पढ़ाना नहीं चाहते थे, क्योंकि उसे पता था यदि उसका बेटा विद्यालय पाठशाला जाएगा तो खेत व घर का सारा काम उसे करना पड़ेगा। समाचार लेखन में उल्टा पिरामिड शैली किसे कहते? तो उल्टा पिरामिड शैली का सिद्धांत समाचार लेखन के बुनियादी सिद्धांत है। इसमें किसी घटना, विचार, समस्याओं के सबसे महत्वपूर्ण तथ्यों की जानकारी को सबसे पहले बताया जाता है, उसके बाद उस पैराग्राफ में कम महत्वपूर्ण सूचनाएं दी जाती है। स्वयं कविता रच लेने का आत्मविश्वास लेखक के मन में कैसा पैदा हुआ? तो मराठी के अध्यापक सौंदर लेगर कविता के अच्छे रसिक व मर्मज्ञ थे। वे कक्षा में स्वसर कविता पाठ करते थे, लय, छंद, गति, आरोह, अवरोह आदि का ज्ञान कराते थे। उनसे प्रेरित होकर लेखक कुछ तुकबंदी करने लगा। उन्हें यह ज्ञान हुआ कि आसपास के दृश्यों पर कविता बना सकते हैं। धीरे धीरे उनमें कविता रचने का आत्मविश्वास बढ़ने लगा। समाचार माध्यमों में काम करने वाले पत्राचार कितने प्रकार के होते थे? एक होता है पूर्णकालिक पत्रकार, दूसरा होता है आपका अंशकालिक पत्रकार, उसके बाद होता है फ्रीलांसर। ये तीनों टाइप्स को आपको बताना है। उसके बाद जूझ कहानी पर आधुनिक किशोर किशोरियों को जीवन के मूल्यों को किस प्रकार प्रेरणा दे सकती है? तो पहला आपका दूरदर्शिता, कहानी का जो नायक है आनंदा वो दूरदर्शी है, किशोर अवस्था में पढ़ाई के महत्व को समझ गई थी, मेहनती थी, संघर्षशीलता थी, अभ्यास थी, सारा चीज़ आप लिख सकते हैं इसमें से। जूझ कहानी के कथानायक के स्वभाव पढ़ने की इच्छा थी, उनको परिश्रमी थी, लगनशील थी, सारी चीज़ अगर ये गुण पाए जाते हैं तो उनके अंदर ये स्वभाव देखने को मिलता है, तो यही मुख्य पात्र को दर्शाता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, सब्सक्राइब योर चैनल। थैंक यू बच्चों।